नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SSC CHSL 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा और विद प्रूफ सारा कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आएगा, कितना आपको टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, कब तक आ सकता है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और एक दो मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2018 और 2019 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका टाइपिंग का रिजल्ट आया था और इस बार सिनेरियो क्या आपके चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग PDF देख पा रहे होंगे, मैंने 2018 की खोल रखी है। आपको पता होगा कि आपका जो टाइपिंग एरर आपको अलाउ होता है, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपको 7% का डिस्काउंट मिलता है और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 10% की छूट मिलती है। तो आप लोग वो चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये किसके लिए अप्लाई होती है, अगर DEO में आप हैं तो यहाँ पे अदर कैटेगरी को 7% मिलती है और जो UR वाले हैं उनको 5% मिलती है। बाकी LDC PA और SA के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10% अदर कैटेगरी को मिलता है, बाकी UR को जो है 7% की छूट मिलती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2018 का जो टाइपिंग का रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो 10/6/2021 को, यानी कि 10 जून को आपका आया था, जबकि इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 26/11/2020 को हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2018 में टाइपिंग का जो रिज़ल्ट था वो टाइपिंग होने के 5 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ 2019 का। तो आप लोग ये 2019 का देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपकी LDC की वैकेंसी थी, LDC PA की, तो यहाँ पे सिर्फ एक कट ऑफ दी गई, तो वही LDC PSA के लिए आपकी जो मतलब छूट आपको मिलती है, अदर कैटेगरी को 10% और UR कैटेगरी को 7%। तो इसका जो रिज़ल्ट आया है, मतलब टाइपिंग का जो रिज़ल्ट आया था वो कब आया था, 28/2/2022 को आया था, यानी कि 28 फरवरी को आया था, जबकि इसका जो एग्ज़ाम था वो कब कराया गया था, 3/11/2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। यानी कि यहाँ पे अगर रिज़ल्ट देखें तो 3 महीने आपके रिज़ल्ट में लग गए थे, 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आया था और आपका जो टाइपिंग हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा टाइपिंग के रिजल्ट के रिगार्डिंग। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि SSC अब बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा CGL CHSL का भी कल ही रिजल्ट आया है आपका, 2 से 2.5 महीने के अंदर SSC ने रिज़ल्ट दे दिया। उसके अलावा CGL का भी रिज़ल्ट जो है वो 2 से 2.5 महीने के अंदर दे दिया। MTS टीयर 2 का इवन रिज़ल्ट जो है वो 2 से 2.5 महीने में दे दिया। जो रिज़ल्ट 4-4, 5-5 महीने के बाद आता था वो रिज़ल्ट देने में SSC सिर्फ 2 से 2.5 महीने ले रही है। तो इसका मतलब है कि टाइपिंग के रिज़ल्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आएगा। मैक्स से मैक्स 1 से 1.5 महीने का SSC टाइम लगी, जिस तरीके से SSC इस टाइम पे काम कर रही है। तो अगर बात करें कि रिज़ल्ट आपका कब आएगा, तो 1 जुलाई को आपका टाइपिंग हुआ है, तो ये आप मान के चलिए, मेरा जो अनुमान है जिस तरीके से SSC काम कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 अगस्त तक आपको आपका जो टाइपिंग का रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए, यानी कि आपको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि 3-4 महीने का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो वही रिज़ल्ट आपका कब आएगा, 15 अगस्त, मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त को आपका, 15 अगस्त या उससे 1-2 आपका ऊपर भी जा सकता है या 1-2 कम भी रह सकता है, तो इसी के आसपास आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और जितनी जल्दी टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा उतनी जल्दी DB स्टार्ट होगा, फिर आपके फाइनल सिलेक्शंस के जो राय वो आसान हो जाएगी। फाइनल सिलेक्शन में भी उतना कम टाइम लगेगा, मतलब ज्वाइनिंग में भी कम टाइम लगेगा और फाइनल जो रिज़ल्ट है उसमें भी टाइम, मतलब जितना इधर फास्ट होंगे हम लोग उतना ही टाइम आगे हमारा कम हो पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।